ओके इन दिस क्लास वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओके लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देख रहा है ए बी सी एंड राइट एंगल कहाँ पे? ये नाइन्टी डिग्री है बी पे तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हम इन एट्रा एंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी दैट मीन्स जो एंगल बी है वो नाइन्टी डिग्री का है ए बीज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर बी सी सेवन सेंटीमीटर डिटमिन सो यू हैव टू डिटमिन मीन्स यू हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ए मीन्स साइन ए मीन्स ये वाला एंगल एंगल ए सो किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेक सीकेंट कॉट दीज आर बेसिकली व्हाट दीज आर रेशो ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल दो साइड्स का रेशो है तो so, हमने कैसे याद रखा था सो का टोआ याद है ना सो का टोआ ये एस है साइन के लिए ये सी है कॉस के लिए ये टी है टेंजेंट के लिए अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है साइन ऑफ ए सो अगर ये एंगल साइन है तो इसका साइन क्या होगा सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी इसका ये थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं ए सी यह है ए सी नाइन्टी डिग्री के अपोजिट है तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है ए सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर ए बी कितना है ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है सेवन का स्क्वायर ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कितना होता है वो कैलकुलेटर से देख सकते हैं हम दैट इज़ फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स और सेवन का तो मालूम ही है 49 नाइन तो इनको अगर हम ऐड करें ये बनता है सिक्स टू फाइव एंड लेफ्ट साइड में है ए सी हमारे को ए सी फाइंड करना है तो ए सी है जैसे हमने लिखा है सपोज एक्स स्क्वायर और अगर एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे जो ये एक्सपोनेंट है इसका इन्वर्स करेंगे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन का जब दूसरी साइड ले जाते हैं ट्रांसपोज करते हैं तो डिवीजन करते हैं डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे ही एक्सपोनेंट का इन्वर्स ऑपरेशन क्या होता है रूट तो ए सी स्क्वायर का हम जो सेकंड रूट है वो निकालेंगे ए सी का अगर मैं इन्वर्स ऑपरेशन करूँ यानी कि यहाँ पे मैं इसको सेकंड रूट करूँ तो राइट right साइड को भी मुझे 625 का सेकंड रूट करना पड़ेगा तो ये स्क्वायर और रूट टू ये इन्वर्स ऑपरेशंस हैं तो ये स्क्वायर और जो ये रेडिकल साइन है ये कट जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ मेरे को ए सी मिल जाएगा सो ए सी सिक्स ट्वेंटी फाइव का सेकेंड रूट या स्क्वायर रूट होगा विच इज़ ट्वेंटी फाइव अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो आप देखोगे सिक्स ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट ट्वेंटी फाइव है तो इस ट्राइंगल में हमारे को ए सी मिल गया ट्वेंटी फाइव दिस इज़ बाई पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम ठीक है अब ए सी मिल गया अब आपके पास तीनों साइड्स हैं तो अब बड़ा इजी है अब आपको मान लो इस एंगल एंगल ए का क्या निकालना है साइन साइन ऑफ ए फाइंड करना है हमें तो इसका साइन ऑफ ए क्या होगा साइन किसके बराबर होता है साइन ऑफ ए तो जल्दी से हम ऊपर वो जो हमने एक साउंड रखा है सो का टोवा सो साइन मीन्स उसके साथ ओर एच है यानी कि अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाई न्यूज तो इसका अपोजिट साइड क्या है सेवन डिवाइडेड बाई हाई पोर्ट न्यूज इज ट्वेंटी फाइव सो साइन ए इज सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव ऐसे ही कॉस भी निकाल सकते हो कॉस ए ऐसे ही आप तो ठीक है ये तो कॉस भी आ जाएगा आपको साइन भी आ जाएगा इसी तरीके से आप साइन सी निकाल सकते हो साइन सी के वक्त क्या होगा ये एंगल होगा तो आपका अगर मैं ब्लू रंग से दिखाऊँ ब्लू कलर से करूँ तो आपके पास ये एंगल अब ये जो एंगल है ये सी है ओके तो आपको इस, इस सी का निकालना है साइन साइन फिर से अपोजिट साइड तो इसका अपोजिट साइड उस समय 24 होगा तो जब आप साइन सी करोगे साइन इज सोआ सो का टोआम तो में साइन का क्या है ओ एच ओ मीन्स अपोजिट साइड तो ये सी है इसका अपोजिट इज 24 फोर डिवाइडेड बाई हाई बॉट न्यूज इज ट्वेंटी फाइव सो साइन सी इज ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव साइन ए सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव कॉस ए और कॉस सी आप खुद ट्राई कर सकते हो तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ठीक है इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड इन फिगर ये फिगर दिया हो आपके पास एट पॉइंट वन थ्री फाइंड टैन पी माइनस कॉट आर टैन इस एंगल पी का टैन निकालना है टेंजेंट और इस आर का कॉट निकालना है कॉट क्या होता है कॉट किसका रेसिप्रोकल है वन अपॉन टेन का एंगल सेम रखना है अगर कॉट आर निकालना है तो पहले आप टेन आर निकालो और जो भी टेन आर की वैल्यू होगी उसको उसका रेसिप्रोकल बनाओ और टेन आर क्या होगा जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल टेन आर विल बी तो फिर से जल्दी से एक रफ पे लिखो सो so का टो अब टैन निकालना है दैट मीन्स इस देख ध्यान देना है टेंजेंट क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड ए तो इसका आर का अपोजिट क्या होगा ट्वेल्व और एडजेसेंट क्या होगा एडजेसेंट तो ये ये थर्टीन है ये तो हाई पॉट न्यूज है एडजेसेंट ये होगा क्यू आर दैट मीन्स आपको क्यू आर पहले फाइंड करना है और क्यू आर कैसे फाइंड करोगे भाई तो से ये हाईपॉट न्यूज़ है सो पी आर स्क्वा इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वाॅर प्लस क्यू आर स्क्वायर अब इसमें पी आर भी दिया है थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन इसको यहाँ लाएंगे माइनस पी क्यू कितना है ट्वेल्व ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू क्यू आर सो वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर इज ट्वेंटी फाइव वो क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर कितना होगा इसका क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे तो क्यू आर मिलेगा हमें फाइव तो जब हम क्यू आर फाइव अब मिल गया अब हम आराम से इसको डिफरेंट टिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं तो ये आप खुद करो फर्स्ट भी हो गया सेकेंड भी हो गया नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम नेक्स्ट टू क्वेश्चन करेंगे ओके आई स्टॉप हियर